राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में नए दिन के साथ। और मैं आया हूँ ऋषिकेश ठाकुर जी के वहाँ पे, क्योंकि जैसे पिज्जा हट, पिज्जा 79 इस टाइप के शॉप होते हैं ना, तो ये कह रहे थे कि मेरा भी ओपन करवा दे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आ जाता हूँ। तो मैं सैफ को लेके आया यहाँ पे, और अपना घूमना फिरना भी हो ही जाएगा इसी बहाने से। मेरे को ब्लॉग चाहिए थे, ब्लॉग भी बढ़ जाएंगे। और इंट्रो में बाद में बना रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत काम हो गया था, यहाँ जा वहाँ जा, तो इंट्रो बनाने का टाइम नहीं मिला था। डायरेक्ट पूजा में बैठ गए थे, तो बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए आगे। पूजा तो आज हवन करवा रहा है, फिर इसको एक दो दिन बाद अपना सामान वामान लाएगा, तो सामान वामान रखेगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि मैं एक दो दिन बाद मैं चला जाऊँगा, मुझे काम है कुछ, और एक नई जगह पे जाना है, सरप्राइजिंग जगह है। तो बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए आज का दिन कैसा होता है हमारा। तो पूजा के बीच में आम के पत्ते चाहिए हो रहे हैं, और हम जा रहे हैं भाई। मेरे घर वालों को सारे काम आखिर में आते हैं, और ये भी आखिर में भाई साहब, इसको मैंने कल रात को बोल रखा पूजा होएगी, और बंदा मस्त सो रहा है, और लास्ट में मेरी माँ का चिल्ला रहा है, बस तूने तो बताया ही नहीं है यार। अब कुछ तो बोलना पड़ेगा ही। तो भाई हमने जद्दोजहद करके काफ़ी पत्ते ले लिए, पत्ते ले लिए बहुत ऐसे ने, अब इनको हम धोएंगे। आइए आपको धोने का संकल्प सिखाते हैं। अब हम सब संकल्प करते हैं कि हम इन पत्तों को धो देंगे। उत्तराखंड की सबसे बेस्ट चीज़ पता है आपको क्या है? क्या है? आप कहीं का पानी भी पी सकते हो यहाँ पे, यहाँ का पानी नेचुरल है, आपको आरओ खारो को जरूरत नहीं है। आरओ खारो, ये देखिए प्रेशर देख रहे हो, इतना तो आपको मोटर में नहीं आएगा। मुझे सर्वा मुझे करो यज्ञ सकल परस में ना।
भाई साहब ये ना थोड़ा इसका काला निकाल देना भी है जर सा अभी जल चलने दो काला निकालना थोड़ा सेकने के लिए वो बहुत ठंडे यार इसी केस में सही में बहुत ज़्यादा ठंडे भाई हम तो कैसे दिन भर यही बैठने कह रहा था क्या दिन भर यही बैठे अब यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा कोई यहाँ से गर्म लग रहा है ना आग चला दी है ना यहाँ पे बहुत बढ़िया हुआ भाई साहब बहुत अच्छा भगवान का भी बढ़िया हो तो भाई पूजा होगी है सुख सर्व संपन्न अब पूजा के बाद देखते हैं कहाँ का टूर बनता है क्या बनता है मार्केट जाते हैं या घर जाते हैं कहाँ जाते हैं देखते हूँ बने रहिए ब्लॉग में मिलते हैं थोड़ी सी देर बाद और बाकी भाई ब्लेसिंग दो कि इसकी दुकान बहुत अच्छे से चल जाए पार्टी हो रही अच्छी पार्टी है ना तो बस इंतज़ार है बाद क्योंकि मैं चला जाऊँगा यहाँ से ये भाई रहेगा यहाँ पे मेन हेडसेट और तो मतलब मैं आऊँगा बाद में फिर जब इनकी दुकान चल जाएगी मैं अभी खाली इस भाई को छोड़ने के लिए आया था इसे यहाँ से का पता नहीं था कैसे आना क्या आना है बाकी मनीष ने कहा हवन वगैरह होगा तो प्लीज आ जा वेलकम बैक शाम के बज के 4 और हम आए हैं यहाँ पे हवन उठाने के लिए ठीक है फोड़ा फाड़ी मत करो रे तो यहाँ पे सामान ले रहे हैं सामान लेने की प्रक्रिया शुरू हो रही है धीरे धीरे सामान यहाँ से आ रहा है वहाँ से आ रहा है अब ऐसे ही आता है भाई डिस्ट्रीब्यूट करके एक साथ तो लिया नहीं जाएगा से हमने ग्रिलर उठा लिया ये इसके दोस्त का ही है होटल और बाकी यही सजेशन दे रहा था इसे कि खोल ले ओपन कर ले अपना कुछ काम चल जाएगा भैया अब एक एक करके यहाँ से सामान ले जा रहे हैं कभी कुछ तो आज का दिन तो ऐसे ही रहा व्यस्त है वैसे तो पूरा ऋषिकेश मैंने यहाँ पे घूम ही रखा पिछले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि अब यहाँ पे काम शुरू हो रहा दुकान का सारा ये हमारे मनीष मालिक साहब समझा रहे काम को यहाँ पे कारपेंटर लोग अपना काम कर रहे हैं ये हो रहा है सारा काम बन रहे काउंटर वगैरह भी बन रहे हैं धीरे धीरे हो रहा है तरक्की पे है दुकान हमारी मरीज उसे समझा रहा है कि कैसे कैसे कितना बड़ा क्या क्या काउंटर आएगा तो भाई अब इन दोनों को ही करना है मुझे तो जाना है यहाँ से एक दो दिन में क्योंकि मेरे को घर के काम है शादी का भी टाइम आ गया फरवरी में शादी है सिस्टर की तो उसका भी काम वाम होगा इधर उधर जाना होगा एक आध दिन जो भी हो यहाँ पे वो चीज़ आपको दिखाऊंगा कि भाई कितना हो रहा है मेरे आगे क्या क्या होगा बाकी बेस्ट ऑफ लक